यह खबर पलवल से। होडल विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी एवं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश उदयभान का नामांकन भरवाने के बाद अनाज मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला। होडल की अनाज मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है जिसने सदैव जनता से झूठ बोलने का काम किया है। समय है, अभी आदरणीय करण सिंह दलाल जी ने आपसे कहा ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये होडल की सीट आज जो चंद हॉट सीटें हैं हरियाणा की उनमें होडल की सीट की गिनती है। इस सीट की तरफ हमारे सभी कांग्रेस नेतृत्व की भी नजर है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व की नजर है। यहाँ पर भाजपा हर तरह के सत्ता बल का, धन बल का, गवर्नमेंट मशीनरी का हर तरह से दुरुपयोग करने, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसका असर पूरे देश में पड़ता है। तो आज समय आया है, भाई मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, लेकिन 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी और बीजेपी की सरकार आई उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। आज की चीज में नंबर एक है, चौधरी उदयभान जी ने बताया। बेरोजगारी में नंबर एक, मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज महंगाई में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खेल और खिलाड़ियों को आप देख रहे हो, हमारी बेटियों को किस तरह अपमानित किया गया जनता मंदिर में, और नौकरी ऐसा हाल कर दिया कि 2 लाख सैंक्शन नौकरियां खाली पड़ी है, नौकरी नहीं लग रही है।